उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एग्जामिनेशन डेट 3 अप्रैल 2022 था। यह जनरल स्टडी पेपर सेकंड है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स जो होता है 150 मार्क्स का होता है। समय 2 घंटे के ही होते हैं। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना होता है और 1/4 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। तो ये अपना इंस्ट्रक्शन रहा और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोथ हम लोग हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे। सॉल्व द फ्लोइंग टू लाइंस नंबर सीरीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर डी। यहाँ पे 2 सीरीज दिए हुए हैं, यहाँ पर डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 95। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नीदर 1 नॉर 2 आर इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें क्या करना है कि रेंट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किए तो 9350 आया। अब मतलब कि 1800 इसमें कितना परसेंट है, तो ये 19.25% आ जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 12। इस तरह के क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। निम्नलिखित 2 पंक्तियों की संख्या श्रृंखला को हल कीजिए और संख्या डी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा था कि आप एक भर्ती प्रबंधक के रूप में हैं, एक मेहनती नव युवक मयंक जिसको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समस्या है का साक्षात्कार ले रहे हैं। यदि आपकी कंपनी में रिक्त पद है तो आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चुनाव करेंगे। देखिए आपको क्या करना है कि आपकी कंपनी में रिक्त पद भी है और एक स्टूडेंट को लेना भी है आपको जिसका नाम मयंक है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर संवाद की आवश्यकता है वहां पर उस पोस्ट के लिए नहीं लेंगे, लेकिन वित्त और जो उत्पाद वाला जो कैटेगरी है वहां पे उसको रख सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 3:1। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से कथन और पूर्व अवधारणाएं हैं, सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को जब हम लोगों ने ये इस टेबल को ऐड किया तो 0.5 यहां पर हो गया और 8.5.13.6.19 और 4.23 और 4.26.7.8.9 तो 9350 टोटल हमारे पास आए। इसमें से हमको किराए का परसेंटेज निकालना है तो 19.25 हो जाएगा। जब हम लोग इसको कट करके देखेंगे तो हमारे पास 19.25 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होते हैं। 11 और 100 के बीच आने वाली इस प्रकार की कुल संभावित संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो ये 12 हो जाएंगे। इस तरह से कुछ हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। जो सबसे पहला होगा संख्या वो होगा 17, क्योंकि जब 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, 2 और रेस्ट बचा 3। अब इसमें क्या करना है, 17 में 7 जोड़ते जाए फिर 17, 7, 24, 24, 7, 31 इस तरह से हमें 94 तक लिखना है। जब हम लोगों ने काउंट किया तो ये 12 नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसमें काफी सिंपल था ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग बार डायग्राम टेल व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मूवी थिएटर फ्रॉम 1906 से 1990 तक। यहां से यहां तक कितने हैं, सभी हम लोग आंसर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 940%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को सभी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें दिया हुआ है 2 बार डायग्राम है, एक मुंबई का है और एक दिल्ली का। इसमें काफी कैलकुलेट करना था तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी आएगा 0.06। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रॉम द 4 आंसर फिगर चूज द वन विच विल कंटिन्यू द फ्लोइंग फिगर, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 940। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 0.061 और क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हम लोग आंसर की जल्दी से देखते हैं। इसका सेकंड पेपर का जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा, केवल जनरल स्टडी पेपर 1 से ही मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है के और क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 3674 और क्वेश्चन नंबर 17 में हमें निकालना था कि टोटल 3000 स्टूडेंट है तो इसमें सेक्शन ए और बी को टोटल मिला देंगे तो स्टूडेंट जो हो जाएंगे 960 हो जाएंगे, हमें ये निकालना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना था। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट विल अपीयर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो ये इस तरह से बढ़ेगा तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा RIG, यहाँ पर LOM = NMK = PKI = RIG, इसका सही सीरीज बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है, तो के हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बृहस्पतिवार होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 3674। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 960। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 8। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो ये 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है RIG। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखें तो यहां पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही करना एक तरह से, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन बी 1:8। क्वेश्चन नंबर 23 जैगल हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 5 जो है ये 4 के अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 20% हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि जितने सारे एलिमेंट है यानी कि ABCD जो फॉर्म में लिखे हुए हैं सबको जोड़ के और बी कितना इसका परसेंट है, तो जब हम लोग इसको काउंट किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 19 और अब बी को काउंट करना है तो बी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बी हैं, अर्थात कि 30 इज इक्वल टू 100%, तो 6 इज इक्वल टू 20%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें स्क्वायर निकालना था, मुझे लग रहा है कि 12 नहीं होना चाहिए 17 होना चाहिए। देखिए जैसे कि इसको गिने 1 बाहर वाला, अब इसके अंदर 2, 3, 4, 5 ये वाला फॉर्म 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 7, अब इसके अंदर 4 हो जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ये 13, अब इसके अंदर 4, 14, 15, 16, 17, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये 17 होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 यदि इसका गलत है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका 12 हो सकता है या 17 हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो ये 17 होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बाय फेसिंग होम एंड वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 28 अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अभी जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्यू। क्वेश्चन नंबर 22 दो गोलो जिनकी त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है, आयतन का अनुपात 1:8 हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 गिदड़ इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 25 ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला 20% इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में 17 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 घर की ओर मुंह करते हुए चलने पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्योंकि एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हुए एक कदम आगे बढ़ता है और उसे दो कदम पीछे की ओर लेने पड़ते हैं, तो वह अपने स्कूल कैसे पहुंच सकता है, तो सिंपल सी बात है स्कूल की तरफ मुंह करके चलेगा तो वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, इसलिए अपने घर के तरफ मुंह करके चले तो वो स्कूल पहुंच जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सबका वैल्यू निकाल के और हमें इसे घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को और फाइनल जब हम लोगों ने सोल्यूशन किया इसका तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, विवेक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 48। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी 5 करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 6 इसका हो जाएगा। ये करा कि हाउ मेनी ट्रक्स विल कैरी 540 टन इन 30 डेज इफ ईच ट्रक कैरीज 3 टन पर डे, सो बहुत ही सिंपल साइज को निकाल सकते थे। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर इज, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर 11 तक लिखें और इसको जोड़ने के बाद 66 आ रहा है, तो 11 से डिविजन कर देंगे तो 6 आ जाएगा इसका औसत, और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछ रहा था जिसकी शुरुआत जो है 1 से होती है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन बी करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 इस क्वेश्चन को यदि हम लोगों ने सॉल्व किया तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, विवेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन नंबर 35 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 36 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 80 और क्वेश्चन नंबर 38 नीचे दिए गए चार कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन ज्यामिति का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो सोहन आया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 40 इसका सही आंसर मेरे ख्याल से साउथ वेस्ट होना चाहिए था हिंदी में, अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं या फिर
यहीं पे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अ मैन फेसिंग साउथ ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यदि इसको इस तरह से हम लोग बनाएं तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है, तो ये साउथ की तरफ फेस करके है तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक का मतलब क्या हुआ, इधर आएगा 135, ये 90 हुआ और 45 यहां पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यहां से सब घूमेगा तो यहां पर 180 डिग्री आएगा, तो ये साउथ वेस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन ये डी करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन बी 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ओनली वन हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 118.8 डिग्री, और क्वेश्चन नंबर 44 15 इसका सही आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, सबसे पहले टेलीग्राम, फिर टेली प्रिंटर, फिर टेली मार्क, और फिर टेलीफोन और टेलीपैथी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सजाना था, काफी आसान था। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन बी 64, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है केवल एक, क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 118.8, क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 15, क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 46 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर 47 द नंबर ऑफ बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 15% and 32% लेस देन अ थर्ड नंबर ए, बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर सी लेस देन नंबर बी। सो ये 20% हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन सी 72 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है एम क्यू। क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका वैल्यू निकालना था, 0.2 आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 51 इसका सही आंसर 12V1 to the power 1/3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2P/3Q। फिगर में हमको निकालना था तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बी नहीं है इसका, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये सेट थ्योरी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 4 मीटर पर सेकंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 का ऑप्शन सी है 3 है, और क्वेश्चन नंबर 56 का 2/3 इसका सही आंसर आ जाएगा, वैल्यू एक्स का निकालना था हमें, पुट करके निकाल सकते हैं बहुत आसान से। क्वेश्चन नंबर 47 दो संख्याएं बी सी किसी तीसरी संख्या ए से क्रमशः 15% तथा 32% कम है, संख्या बी से सी कितने प्रतिशत कम है, तो बहुत ही आसान था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 48 सी ऑप्शन है 72, क्वेश्चन नंबर 49 डी इसका सही आंसर है एम क्यू, क्वेश्चन नंबर 50 0.2 इसका सही आंसर है, 51 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 12V/3, 52 का 2P/3Q ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 53 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 4 मीटर पर सेकेंड, 55 का 3 आ जाएगा, और 56 का 2/3 इसका ऑप्शन आ जाएगा जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 57 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 58 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पीडी। क्वेश्चन नंबर 59 28 दिन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 पी लेस देन 1/3 होगा, क्योंकि देखिए जब आप 0.2 भी रखेंगे ना और अंडर रूट 0.2 करेंगे तो 0.2 का मतलब हो गया 0.44, और यहां पे मान लीजिए कि हमने रख दिया 0.1 और 1/0.1 रखेंगे तो हमेशा जो होगा ये वाला जो पोर्शन है वो बड़ा होगा, पी ग्रेटर देन ये 1/P > क्यू कह रहा ना, पी कह रहा है, या पी लेस देन 1/P, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ना ही बी होगा ना ही सी होगा और ना ही डी होगा। सो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61 25 ईयर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 62 कजन हो जाएगा बी ऑप्शन, 63 90 डिग्री, 64 120 आ जाएगा, 65 का 1990 आएगा, और क्वेश्चन नंबर 66 जो है ऑप्शन डी 12/19 होगा, और 67 का ऑप्शन जो है वो लॉस करेगा 9%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोगों ने देखा कि रोहित किसी कार्य को टी घंटे में पूरा कर सकता है, किसी कारणवश 1.5 घंटे बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया, कार का अधूरा हिस्सा 2T-3/2T हो जाएगा, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पीडी, क्वेश्चन नंबर 59 28 दिन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 P < 1/P हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 25 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 62 चचेरा भाई हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 90 डिग्री होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 120, क्वेश्चन नंबर 65 ये 1990 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 यदि एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों से 5 घटाया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 12/19, और क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 9% इसको हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 60 अब हम लोग देखते हैं,
इफ बुक इज कॉल्ड वॉच, वॉच इज कॉल्ड बैग, तो एंड बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, तो इसमें कह रहा ना कि आप बुक किसमें ले जाओगे, तो बुक तो आप बैग में ही ले जाते हो ना, और बैग को क्या कह रहा है डिक्शनरी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 36 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 7 होगा, 72 का मदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 12 क्वेश्चन नंबर 74 प्रोपोजिशंस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑड फाइंड करना है, मून प्लेनेट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 76 जो है ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 47U15 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 77 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 337 और क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 79 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 8 क्वेश्चन नंबर 80 XMVIZ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 यदि किताब को घड़ी, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, तो इसमें जो है हम लोग डिक्शनरी कहेंगे, यानी कि बस्ते को शब्दकोश कहते हैं, और हम लोग अपना किताब कहाँ रखते हैं, अपने बस्ते में रखते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन सी, 36 हो जाएगा, 70 का 10 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मां, क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 12 सत्यता और असत्यता, असत्यता गुण जो है कथन के होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए है, 75 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 76 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 337 और क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 79 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट आंसर होगा, 8 क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, XMVIZ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब हम लोग पेसेज पे आ जाते हैं, ये इंग्लिश पेसेज है, कंप्रिहेंशन वाला सब, इस पेसेज को पढ़ के हमें इस क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 81 से 83, शो नाउ रीड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स इन डायग्नोसिंग देयर लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेशंस ऑफ लर्निंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज फॉर लर्निंग, चॉइसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स, दस इट इज इम्पोर्टेंट टू अटेन न्यू नॉलेज इजली एंड स्किलफुली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ये सब हम लोग पढ़े तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 का इंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स पीपल लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, ऑप्शन ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, नेचुरल थॉट्स इनिशिएटिव लर्निंग लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, व्हाट इज द नीड ऑफ द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, वन रीजन इज दैट देयर इज convincing evidence that people who take initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. Okay, so ये इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, which what best describes self directed learning, so active learning हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, it was expected by the Romans that they could conquer Carthage, ये हमको पैसिव में करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 85 जो है कंटेस्ट हो जाएगा, कंपटीशन का सिनोनिम्स, 86 का जो है स्लंबर का जो मीनिंग होता है वो स्लीप होता है, क्वेश्चन नंबर 87 इसमें फ्रेज करना था, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन शो ऑटोक्रेसी होता है, किसी एक के द्वारा सरकार को हम लोग ऑटोक्रेसी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब हिंदी गद्यांश है यहां पर, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 88 से 100 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर होती है जिसके बल पर वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है, इस तरह से इसको पढ़ने के बाद अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को करते हैं, तो सांस्कृतिक ये सांस्कृतिक शब्द का में प्रत्यय है तो इक है, सांस्कृतिक ये त में हर्षई लगा है और इक, तो इक इसका सही हो जाएगा प्रत्यय, और उपसर्ग जो है प्रत्यय जो होता है बाद में होता है और उपसर्ग जो होता है पहले होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विरासत शब्द किस श्रेणी का है, तो विदेशी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची है, तो विभूति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मानव का पर्यायवाची मत्तर्य होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सभ्यता का शब्दार्थ है जीवन प्रणाली, क्वेश्चन नंबर 93 प्रभावित करने में किसका महत्व है मानव जीवन को, तो प्रकृति का, ये पैसेज के अकॉर्डिंग है यहां पर लास्ट में लिखा है ना कि प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहता है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण का विपरीतार्थक महत्वहीन हो जाएगा, गद्यांश का उपयोग शीर्षक हम लोग सभ्यता और संस्कृति दे सकते हैं, और कोई भी राष्ट्र किसके बल पर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, तो सांस्कृतिक धरोहर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 किसी राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन का आधार है संस्कृति, किनमें घनिष्ठ संबंध है, तो सभ्यता और संस्कृति में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 संस्कृति क्या है, तो मानव जीवन को श्रेष्ठ एवं उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम है, और क्वेश्चन नंबर 100 जो है मूल्यांकन के संधि विच्छेद करना है, तो मूल्य प्लस अंकन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने 100 क्वेश्चंस देखे सीसेट के, यानी कि जनरल स्टडी पेपर सेकंड का, यह उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 का सेकंड पेपर था। सो थैंक्स एंड टेक केयर।